संत में सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जाता है। प्रभु है इसका पहले विश्वास। आराध्य देव के उपदेश में हम लोग बराबर सुनते हैं। सद्गुणराज का पहला उपदेश क्या है? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। कि प्रभु परमात्मा है, उनको प्राप्त करने के लिए दो ही क्रिया करना है, सत्संग और ध्यान। वह प्रभु है, क्या बतला सकते हैं? कोई का देख नहीं रहे। अच्छा देखिए, साब को वरना कम्बल ओढ़ करके बैठे हुए, ठंडी है कि नहीं? कहेंगे ठंडी है, तो कैसा है बतला सकते हैं? होलिया की ठंडी कैसी है? गर्मी है कि नहीं? तो किस तरह का है बताइए? गर्मी काम है, क्रोध है, उसको आप बतला नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से प्रभु हैं, कैसा है? हम लोग यही समझ लिए हैं कि आरा संत महापुरुष लोग, जिस तरह से आप शरीर नहीं हैं, उसी तरह से प्रभु परमात्मा भी शरीर नहीं है। जिस तरह से हम और आप अनेक प्रकार के वस्त्र को पहरे हुए हैं, भी धोती कपड़े पहर करके बैठे हुए हैं, क्या आप धोती कपड़ा हो गए? ठीक उसी प्रकार से प्रभु परमात्मा एक है, अनि है, अरूपी है। शरीर रूपी कपड़ा को प्रभु धारण किए, अब प्रभु कपड़ा नहीं हो गए। जिस जिस रूप का जरूरत प्रभु को पड़ा, उस रूप को धारण करके, जिस मकसद से आए, धर्म का स्थापना करके, पुनः आत्मस्वरूप में लीन हो गए। सो देखिए, वह प्रभु परमात्मा के बारे में कहा जाता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन मने मोह, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, घ्रय घ्रान बिनु बास सेखा, असब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं वर्णन। सो धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, सदगुरु महाराज आप कहा करते थे, कोई पूछे कि रूप क्या है, तो यही कहो, आंख से जिसका ज्ञान होता वो रूप है। आप कोई पूछ दे कि शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कान से जिसका ज्ञान होता वो शब्द है। कोई पूछे कि स्वाद क्या है, जिभ्या से जिसका ज्ञान होता वो स्वाद है। स्पर्श क्या है, चमड़े से जिसका ज्ञान होता, चमड़े से ज्ञान करते कारा मोलायम का। आराध्य कहते हैं, कोई पूछे कि शब्द क्या है, तो यही कहो, स्पर्श से चमड़े जिसका ज्ञान, स्पर्श से देख के वह स्पर्श है। चमड़े से जिसका ज्ञान हुआ स्पर्श, ठीक उसी प्रकार से आराध्य का कहना है, आत्मा से जो जाना जाएगा वही होगा परमात्मा। परमात्मा है, विश्वास कीजिए। अभी पूछ संजय बाबा से सुन रहे थे ना, जो जन्मजात अंधे हैं, क्या उसको आप समझा सकते हैं कि काला रंग कैसा होता है, पीला रंग कैसा होता है, हरा रंग कैसा होता है, नीला रंग कैसा होता है? जो जन्मजात अंधे है, आप उसको समझा नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से उसको समझाना है तो नेत्र बनवा दीजिए, ये क्या उपाय है, आंख ठीक करवा दीजिए, समझ जाएगा नीला पीला। आपको शब्द में वाणी में उसको समझा नहीं सकते, उसी तरह से वह मालिक परमात्मा है, विश्वास कर लीजिए। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन जीवन लह विश्राम।
महात्मा गांधी जी कहा करते थे, जीवन भर भी हमको ईश्वर परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब भी नहीं कहेंगे कि वो नहीं है, वो है। कोई रहे न रहे वो तो रहेंगे, वो प्रभु परमात्मा रहेंगे। देख करके मन में हदस हो जाता है, लेकिन विश्वास कीजिए, हम और आपके वास्ते प्रभु जरूरत पड़ने पर आप जिस रूप का जरूरत भक्तों को पड़ता है उस रूप को धारण करके भक्तों की रक्षा करते हैं। तो प्रभु निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। हाँ, वह प्रभु परमात्मा हैं। देखिए भागवत महापुराण में है, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहता था, अब बहुत बलिष्ठ हाथी, तमाम हथनी के सात हाथियों का वो सरदार था। सिंह भी देख करके हाथी को पलायन कर जाता था। एक दिन सरोवर में पानी पीने के लिए अपनी परकर के साथ गया, पानी पी करके प्यास तो बुझाया महाराज, और उसी जल में किरड़ा करने लग गया, जल किरड़ा करने लग गया। सरोवर का पानी बंधा रहता है, मटमैला हो गया, कठोर हो गया, आ उसी पानी में मगरमच्छ था, उसको बड़ा क्रोध हुआ कि पानी तो पी लिया, अब पानी को गंदा करने लग गया। मगरमच्छ ने क्या किया, उसके अगले पैर को पकड़ लिया। हाथी के मन में हो रहा है, एक बार पैर झिटक देंगे यह चूर हो जाएगा मगरमच्छ, हमारा क्या कर लेगा, हमको देख करके सिंह पलायन करता है। तो खींचने लग गया जल के तरफ मगरमच्छ, अपना पूरा ताकत लगा दिया, लेकिन मगरमच्छ को से अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। बहुत ताकत लगाया, हाँ बहुत ताकत लगा लिया, समझ लिया ये तो बलिष्ठ है। तो अपने पर करके से कहा कि देखो ये तो मगरमच्छ बलिष्ठ बुझाता है, हम लोग हमको खींचो। तो गारी सबको टोचन नहीं करते हैं, सूर में सूर जोर करके हाथी सब खींचने लग गया। अपना बल जब लगाता था हाथी सब खींच करके किनारे की तरफ ले आता था, जब मगरमच्छ खींचता था अगाध जल में लेकर के चला जाता। चार पहर युद्ध भय ले गए मझधारे, नाक कान डूबन लागे तब कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गए सोर भय भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे महाराज, शाम होने को है दोपहरे से, सब हाथी हथनी छोड़ करके जंगल की तरफ पलायन कर गया जा रहा। कहां जा रहे हो तुम लोग, का एक आपके चलते भर दिन भूखा लोग मरेगा है? का जब सुख में थे तो हमारे आगे पीछे फिरते थे, जब विपत्ति काल आया तो छोड़ करके जा रहे हो। गुरु नानक देव जी वचन में है, सुख में आनी बहुत मिली बैठत रह चहु दिस घेरे, विपत्ति परे सभी संसारत को नावत नेरे। हम लोग ही पोता पर पोता पासा लगाए ना, ये सुख के साथी हैं, ये सुखे भर गल से दी चल रहा है, विपत्ति के साथी हो एक मालिक हैं। चल दिया जंगल के तरफ महाराज, सूर उठा कर करके, आह कोई नहीं प्रभु, अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तुरंत भगवान पहुंच गए, उसको आना जाना सब जगह है, ये है कहीं नहीं है प्रभु, कहीं नहीं, मंदिर मस्जिद कुप्पा घाट मणियारपुर कहीं नहीं है, आपके श्रद्धा में है, कहीं नहीं आपके श्रद्धा में है। हरि व्यापक सर्वत समान, सर्वत मतलब बुझते हैं, नेमो भला की बेल भला, सर्वस सब जगह हरि व्यापक सर्वस समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिसी विदेश हो माही, कहो सु कहां जहां प्रभु नाही, अग जग में प्रभु रहित विरागी, लेकिन प्रेम ते प्रगट होई जिमी आगी। महाराज तुरंत गरुड़ पर प्रभु सिधार गए, पधार गए, देख रहा है कि कुछ नहीं करेंगे, हथियार डूब करके मर जाएगा, मरिए जाएगा। क्या किए प्रभु, सुदर्शन चक्र चला दिए, गरा का मुंह फाड़ दिए, आरी से लकड़ी को चीरते ना आजकल मशीन पर, मुंह फाड़ दिया,
आ देखिए ग्राहक उद्धार कर दिए, हाथी का पैर छूट गया, स्वतंत्र हो गया। कहने लगे प्रभु बुलाए पहले हम उद्धार किए मगरमच्छ का देखो तुम हमारा भक्त न है, हाँ जो हमारे भक्त का चरण पकड़ता पहले उसका उद्धार करता हूं। कितने कृपालु हैं, कुछ नहीं था प्रभु को समर्पण करने के लिए, हथिया किया क्या पोखर से वही कमल का फूल तोड़ करके पोखर वाला सूर से कमलाकंत के चरणों में कमल चढ़ा दिए। एक हाथी का सुन सकते हो प्रभु हैं, विश्वास कीजिए, विश्वास पूर्वक भजन कीजिए। हाँ, आत्मा से जो जाना जाएगा वो परमात्मा होगा, वह है जहां पुकारेंगे उनसे करीब नजदीक कोई चीज नहीं है। इसीलिए धर्म प्रेमी सज्जनों माता स्तुति प्रार्थना कीजिए, छल छोड़ करके लेकिन कीजिए। चौथी भगति मम गुणगन करिए कपट तजी गान, ये स्तुति प्रार्थना सत्संग कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, आई मेहनत बेकार नहीं जाने देगा। सो क्यों बिसरे जी ने सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे घाल न वाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने। घाल कहते हैं मेहनत को, तो हम लोगों को समय समय पर सत्संग ध्यान करना है। एक दिन प्रभु परमात्मा की कृपा होगा, अपने स्वरूप में मिला करके अपने समान बना लेगा, क्योंकि हमारा वो हइये है, बनाना उना है नहीं, हइये है।